नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। यूनिसेफ की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद से लोगों की आय तेजी से घटी है, कुछ लोग तो बेरोजगार भी हो गए हैं। इसके साथ ही महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से दुनिया भर में लोगों की थाली का स्वाद खराब हो चुका है। महंगाई से निपटने के लिए और खर्चे पूरे करने के लिए लोग अपनी रसोई और खाने पीने की चीजों में कटौती कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में उनका परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के हर देश में अमूमन यही हाल है। भारत, अमेरिका, नाइजीरिया, ब्राजील जैसे तमाम देशों में यही स्थिति देखने को मिली है। छोटी सी छोटी चीज, जैसे कि आप देखें, पहले अगर लोग दो थैली दूध की मंगाते थे तो अब वो एक ही थैली दूध से अपना काम चला रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान ईंधन के दाम बहुत ही तेजी से बढ़े और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी बेतहाशा इजाफा हो गया। इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ा। अगर डेयरी की बात करें तो पालतू और जो दूध देने वाले मवेशी हैं, उनको खिलाए जाने वाली चीजें भी महंगी हो गई और यही वजह थी कि दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो खाने पीने की चीजें 33% तक महंगी हो गई और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ा। खाद्य तेल व दालों के बड़े दाम भी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। खाद्य तेल के दाम कुछ वक्त के लिए गिरे थे लेकिन पिछले महीने वो फिर बढ़ गए। दाल के दाम भी पिछले एक महीने में बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो खाद्य तेल के दामों में पिछले महीने 20% का इजाफा हुआ और दाल की कीमतें 10% बढ़ गई हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इसकी वजह से भी ये बढ़ोतरी लगातार हो रही है। खाद्य तेल के जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद से ही खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इनका बढ़ना अभी तक जारी है। पिछले एक महीने में खाने की चीजों के दाम किस तरह बढ़े हैं, आइए आपको बताते हैं। 20 जुलाई को सरसों का तेल 145 रुपए प्रति लीटर था, जबकि 20 अगस्त को ये 165 रुपए प्रति लीटर हो गया। रिफाइंड तेल 150 से 155 रुपए प्रति लीटर हो गया। अरहर दाल 100 से 110 रुपए पर पहुंच गई। मलका दाल 85 रुपए से 90 रुपए पर। उड़द की दाल 5 रुपए चढ़कर 95 से 100 रुपए पर पहुंच गई। चना दाल भी 70 से बढ़कर 75 हो गई। राजमा 125 से उछलकर 145 रुपए तक पहुंच गया है। तेल कंपनियां वैसे तो महीने की शुरुआत में ही गैस के दाम में बदलाव किया करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने महीने के बीच में ही गैस के दाम बढ़ा दिए। इस बार गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसके बाद दिल्ली में एक गैस सिलेंडर का दाम 859.50 रुपए हो गया है। वहीं पिछले साल अगर देखा जाए तो एक गैस सिलेंडर की कीमत 265.50 रुपए थी। अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस साल गैस सिलेंडर के दाम 265.50 रुपए बढ़ गए हैं। 17 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। 4 मई से 17 जुलाई तक पेट्रोल की कीमतों में 11.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 9.14 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के चलते देश के कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने एक सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन के दौरान गांवों में किस तरह की स्थिति थी, वहां पर लोगों को किस तरह की परेशानी हुई। नतीजे में ये सामने आया है कि सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हुई। सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा आर्थिक मंदी का। इसकी वजह से घर में खाने के लाले पड़ गए और उन्हें तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों ने घेर लिया। NBER ने ये सर्वे 5 राज्यों में किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान, इनके गांव में उन्होंने फोन पर ये सर्वे किया। इसके अंतर्गत उन्होंने सितंबर 2019 से लेकर अगस्त 2020 के बीच 2 बार फोन पर लोगों से 20 से 30 मिनट तक बात की। खास तौर पर बात की गई घर के मुखिया और घर चलाने वाली महिलाओं से। NBER के सर्वे में पाया गया कि गांव में रहने वाले लोगों की बहुत ही बुरी हालत थी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान। उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी की वजह से घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। लोगों की आय कम हो गई, कई लोग बेरोजगार हो गए। क्योंकि ये समस्या बहुत लंबे वक्त तक चली, इसीलिए लोग डिप्रेशन और तनाव के शिकार भी हो गए। 2020 अगस्त में लॉकडाउन खुला तो, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई और इस वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती चली गईं। कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल सुविधाओं का अभाव था, साथ ही लॉकडाउन की वजह से लोगों की आय कम हो गई थी। इस वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियां 40% बढ़ गई थी। जिन जगहों पर लॉकडाउन लंबे वक्त के लिए था, वहां 45% लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होने की खबर सामने आई है। साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन जगहों पर लॉकडाउन बना रहा जहां पर ज्यादा केसेस सामने आए थे, तो इन जगहों पर लोगों की मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट की वजह से भारतीय युवाओं में निवेश को लेकर एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है बढ़ती महंगाई और भविष्य में खर्चे के दबाव से खुद को बचाना।
ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट पोर्टल ग्रो ने करीब 20,000 युवाओं पर एक सर्वे किया। सर्वे में पाया गया 59.8% भारतीय युवा खर्चों और रिटायरमेंट के लिए धन जुटाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। करीब 9.5% युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे बचा रहे हैं, जिसके लिए वो निवेश पर जोर दे रहे हैं। 30.7% युवा बेहतर जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल की जरूरतों के लिए निवेश कर रहे हैं। इसमें यात्रा करने के साथ अन्य व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति भी शामिल है। सर्वे में शामिल 52.9% युवाओं का कहना है कि उन्होंने अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए निवेश किया। 37.3% वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय आजादी ये तय करने का साहस देती है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो इस सर्वे में ये साफ हो गया कि युवा इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर और संजीदा हो गए हैं। करीब 40.2% युवाओं ने ये माना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल वो इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि 26.6% युवाओं का मानना है कि कोविड की वजह से उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। बहरहाल, हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।